लोकसभा चुनावों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ में और हमारी बस आज चंडीगढ़ के लोगों से बातचीत करेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में किस तरह से रुझान है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि चंडीगढ़ में इस बार अगर हम बात करें, बीजेपी के संजय टंडन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस चंडीगढ़ में है, जो मनीष तिवारी यहां से हुए हैं, अगर हम बात करें काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ में भी कई मुद्दे हैं, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड की बात करें, चाहे वो मालिकाना हक की बात करें, नीड बेसिस चेंजेस की बात करें, वेंडर्स को लेकर बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों के मन में क्या है कि किस तरह का कैंडिडेट जो है वो यहां पर लाया जाए। सर, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं लोगों? सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर का मुद्दा, मालिकाना का मुद्दा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। और सबसे बड़ी बात कि देश के अंदर चंडीगढ़ एक शहर ऐसा है जिसका अपना राइट कोई नहीं है। हर स्टेट में भर्ती में उसको कोटा दिया जाता, यहाँ चंडीगढ़ के बच्चे को कोई किसी में वो नहीं दिया जाता। दूसरी बात, यहाँ एक भूमि अधिग्रहण का मसला है। देश के अंदर जो सुंदर ब्यूटीफुल कहा जाने वाले शहर में हरियाणा पंजाब साथ साथ सीमाएं लगती है, दोनों में भूमि अधिग्रहण का नियम मान्य है, जबकि चंडीगढ़ में नहीं, डीसी रेट दिया जाता है। अभी किसानों की भूमि अधिग्रहण हुई 45 के किसानों की, जिसको भूमि अधिग्रहण के नियम से बाहर रखकर अपनी मर्जी के रेट दिए गए, जबकि शहर के रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी मुख्य मुद्दा आज किसान का भी है, क्योंकि पिछले काफी लंबे से किसान की अगर हम बात करें, किसानों पर भी आते हैं सर, जैसे सर ने बताया शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, कई चीजें हैं उसको लेकर लगातार होना चाहिए चंडीगढ़, क्योंकि एक डेवलप सिटी है। सर, चंडीगढ़ में शिक्षा तो बेटर है ही है और हो भी रही है डे बाय डे। बाकी मुद्दे हैं, जो हमारी पहले वाली एमपी थी उसने कोई बेटर काम नहीं किया, उसका फर्क बीजेपी को पड़ सकता है, अदरवाइज तो टफ मुकाबला तो है ही। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वायदे तो बहुत किए जा रहे हैं कि आने के बाद हम काफी चीजें सुधार करेंगे, मालिकाना नीड पेजेस वेंडर्स जो है उसको लेकर। सर, ये हक के लिए लड़ते तो हैं, बोलते भी हैं, करते नहीं ना। कहने को इलेक्शन के लिए कुछ मर्जी कहलवा लो, किसी से भी कहलवा लो, करने के लिए सब अपने घर में बैठ जाते हैं, पब्लिक चीजें नहीं। सर, किस तरह देखिए, मुद्दे तो बहुत काफी हैं यहाँ पे। बाकी ठीक है, हर हाल से चंडीगढ़ बेटर तो है, लेकिन जो उसकी सुंदरता है, जो हर चीज है, वो खत्म होती जा रही है। यहाँ पे हर चीज में हम जो देखते हैं, अभी कई चीजों में हमने देखा, अभी चौक के ऊपर इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए थे, स्पीड ब्रेकर अभी बने 2 महीने हुए हैं बने को, तो उसमें फिर डेवलपमेंट शुरू हो गई है। तो एक चीज को पूरी, हम मकान भी बनाते हैं तो उसकी भी प्लानिंग करते हैं, भाई कैसे मकान बनाना है, तो यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं है। और जो फिर तो हम यही कहेंगे ना, भी जो पब्लिक का पैसा है वो खराब हो रहा है। तो स्कूलिंग है, स्कूलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन काम कम हो रहे हैं, ध्यान कम दिया जा रहा है। बेसिक कम्युनिटीज को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बेसिक कम्युनिटीज को लेकर कहा जाता है कि चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में सहूलतें तो बहुत अच्छी हैं, हर चीज की तरफ से सहूलत बहुत अच्छी है, बेटर है, हर चीज बेटर है, सड़कें अच्छी हैं, पर सड़कों के ऊपर वही है, सड़कों के ऊपर काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप देखोगे चारों तरफ सड़कें खराब हो रखी है, कई सिचुएशन है। सर, जैसे बीजेपी कांग्रेस को एलिगेशन लगा रही है, इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस जो है वो, क्योंकि अलायंस है यहाँ पर, किस तरह? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है यहाँ पर, बेसिकली दोनों अपने अपने मुद्दों पे लड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक मुद्दा है कि जो हमारे से पीछे वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, ठीक है। किस तरह से? ठीक है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे था, डंपिंग ग्राउंड पे था, ठीक है, हमारे किसानों के साथ बहुत सारे वादे हुए थे, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर से बहुत सारे वादे किए थे इन लोगों ने, नहीं पूरे किए इन्होंने, अभी दोबारा वो इन्हीं मुद्दों पे लेके आए हैं। और दूसरा हमारा प्रॉपर्टी के अंदर है कि हमारी जो प्रॉपर्टी फ्लोर वाइज था यहाँ पे, फ्लोर वाइज का मुद्दा बहुत उछला है, वो ज्यादा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आज के डेट इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और एक फ्लोर ले लिया, और वो फ्लोर्स पूरी बंद होगी, जो कि हमारा ऑर्डर है 130 सेक्टर का, ठीक है, वो आगे के सेक्टरों पे भी लागू किया गया, और सारे दोनों ही कैंडिडेट अपने, मतलब दोनों तीनों जितने भी हैं, वो सभी अपना अपना डाल रहे हैं, ठीक है। बट बेसिकली करेगा कौन, करते कैसे हैं, सेंटर में कौन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। फ्लोर वाइज का मुद्दा इन्होंने सर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, किस तरह से और क्या मुद्दे चंडीगढ़ में? अपना तो सब ठीक है, चल रहा है। किनो दे वोट दे कोई मुद्दा? जो मुद्दा फिर एजुकेशन का है, एजुकेशन भले ही अच्छी है, पर हमारे को यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन में भी बहुत मार पड़ रही है। कैसे? यही फीस बहुत ज्यादा है स्कूलों की, ठीक है, ठीक है ना, बच्चे छोटे छोटे जो जा रहे हैं, मतलब अब गर्मियां हैं, कुछ तो चलो छुट्टियां कर दी इन्होंने, बाकी जो फीस का स्ट्रक्चर है ना, इन्होंने स्पेशली स्कूल्स ने
दुकानें की हुई हैं कि इन्हीं दुकानों से लेना है। अच्छा। अगर कुछ स्कूल नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो आप उस बुक्स को ढूंढ लो, कहीं भी चले जाओ। यानी कि ये मुद्दा पिछली बार भी नहीं, ये हर जगह उठता है सर। बट आपको चाहिए ना कि सरकारी बुक्स लगा दो यार, जो बाकी सारे स्कूलों में चल रही है, वही प्राइवेट भी पढ़ाएंगे, पढ़ाई तो उनसे अलग। ये भी चीज है, कुछ कहीं बहुत जरूरी है। कोई मुद्दा आपको लगे? हमारा तो मुद्दा ये है सर जी, हम है बंडर यहाँ पे मार्केट के। जब भी हमारे से कोई वादा किया जाता है, जैसे मोदी सरकार ने वादा किया था कि 100 मीटर के दायरे बैठाया जाएगा, और आज हमारे को 10-10 किलोमीटर के दायरे बैठाया जा रहा है। कानून ही मतलब वहां से पास हो जाता है, यहाँ फेल हो जाता है, यहाँ फेल हो जाता है। तो ये इसमें काफी दिक्कतें, काफी दिक्कतें आज हमें 4-5 सालों की दिक्कतें ही काट रहे हैं। अब आगे क्या करें, अभी तो फिर पार्टियां पता नहीं क्या क्या बोल रही है, किसको हम क्या कह सकते हैं। देखो जी, कोई भी सरकार आए, आगे आम पब्लिक वास्ते काम करे, वो तो सारे की भलाई होगी, और की है। बिल्कुल, ये जरूरी है। आप सर कुछ कहोगे यूथ एज यूथ किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में सफाई की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हम सफाई में नीचे जाते जा रहे हैं। चंडीगढ़ जो है हमारा डंपिंग ग्राउंड, बहुत बड़ा मुद्दा जैसे सर ने बताया। चंडीगढ़ में सफाई में मेरे ख्याल से अब हम 30-40 रैंक पे आ चुके हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि हमें सफाई के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए चंडीगढ़ में। ठीक है, ये जरूरी है। और कुछ आजकल वैसे स्मार्ट सिटी के लिए भी कहा गया था चंडीगढ़ को, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, वो भी उसमें भी कुछ सुधार नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसमें एक चीज है सर, ये क्वेश्चन आपसे है कि जैसे फ्लोर वाइज वाली बात की सर ने, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और कई बार उठाया गया है रेसिडेंट्स की तरफ से, क्योंकि दिक्कतें आ रही है जी। फ्लोर वाइज तो है, बाकी जो नीड बेस्ड चेंज तो होना ही चाहिए। जब सरकार सड़कों को चेंज करती है, डेवलपमेंट करते हुए हर चीज को चेंज करती है, पेड़ों को भी काट देते हैं, आज की डेट में एनवायरनमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट पे कोई भी किसी भी लीडर ने आज तक ये कहा भी एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात करते हैं जी, इतने पेड़ लगने चाहिए, वो कागजी कार्रवाई में पेड़ लग जाते हैं, वही कट जाते हैं, वही बिकते जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कतें जरूर। वो तो सबके लिए आ रही है, जितने पेड़ अगर नहीं होते, शुक्र है हम इस टाइम पेड़ों के नीचे खड़े हैं, अगर ये ना होते तो हमारा क्या हाल होता है यहाँ पे। सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई मुद्दे हैं, एजुकेशन की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की, हेल्थ की बात की, डेवलपमेंट की बात की, फ्लोर वाइज की बात की, और किस तरह से? देखिए जी, चंडीगढ़ के जो मेन मुद्दे हैं जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे भाई भी जिक्र कर रहे हैं कि फ्लोर वाइज जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही, ये होनी चाहिए। एक चंडीगढ़ को एक हेरिटेज का धब्बा दे दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है, कोई ऐसा चंडीगढ़ में कोई सेक्टर, कोई मकान, कोई मार्केट या कोई दुकान नहीं है जहां पे जिसको नोटिस ना लगाओ, ये बिल्कुल गलत है। नीड बेसिस चेंज के हिसाब से हर चीज को वो चेंज करना चाहिए। एक तो ये कानून लाना जरूरी है, जो हमें नोटिस लाखों रुपए के हम नोटिस भर रहे हैं, जो हम जुर्माना भर रहे हैं, उस चीज से छुटकारा हमें। दुकानदारों को काफी बिल्कुल डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है। बाकी कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, जैसे सफाई में हम पहले कहां पहुंच गए थे जी, अपना 64वें 65वें नंबर पे थे, लेकिन आज फिर हम 11वें नंबर पे आ गए हैं। देखिए कई चीजें हैं, सड़कें हमारी चंडीगढ़ की अच्छी हैं, इसको और मेंटेन किया जा सकता है, जैसे एमसी कर रही है और इसको अच्छी तरह मेंटेन किया। कई मुद्दे पे हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, कई मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी नेता चुन के आता है, उनको कोई भी सरकार बनती है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की क्या जरूरत है, लोगों की क्या जरूरत है। एक प्लान सिटी है, उसको और किस तरह आप एक हेरिटेज के नाम पे ये पुरानी बिल्डिंग है, इसको ये नहीं कर सकते, उसको वो नहीं कर सकते। अब कई चेंजेस हुए, अब ये फ्लाईओवर बन रहा है, अब मेट्रो बन रही है, ये अगर ये चीजें डेवलप हो रही है, ये किस लिए हो रही है? ताकि आबादी बढ़ चुकी है, अब हाईकोर्ट अपनी जगह मांग रहा है, हाईकोर्ट के लिए भी अब वो जगह और नहीं बन रही है, या उसको दे रहे हैं, या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अभी मैंने कल परसों से अखबार में पढ़ा था, कोई टीम आनी थी, उसने अपना उसको नो फ्लाई जोन 7 या 8 नो फ्लाई जोन करके उसकी बुनियाद कितनी है और ये और कितने साल चल सकती है। ऐसे ही हर बिल्डिंग के ऊपर, हर जो रेजिडेंट है उनको इन चीजों की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि क्योंकि जो चंडीगढ़ बना था वो पॉपुलेशन के हिसाब से बना था कितनी, लेकिन अब पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। सर पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, देखो एक सिटी है जहाँ पे, यहाँ पे इनकी कोई फैक्ट्रीज तो लंबी है नहीं ना, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बना गया था, पर लोग क्या है कि इस शहर को पसंद करते हैं, खूबसूरती भी पसंद करते हैं, रहने का स्टाइल है, मतलब खाने पीने जो भी हम कह सकते हैं, ये लोग यहाँ पे बसना चाहते हैं। आप कहीं भी आ जाओ, आप दिल्ली से लोग, कोरोना काल से लोग यहाँ भाग के आए हैं, पंचकुला उससे जहाँ डेवलप हुआ, इसी चक्कर में आपका क्या नाम मोहाली डेवलप हुआ, क्योंकि शांत सिटी है और अच्छी सिटी है जैसे कहते हैं, पर इसे और डेवलप किया जा सकता है। सर किस तरह से देखते हैं? 3-4 इशू सर ने उठाए। सर जी ऐसा है, जो पहले हो चुकी है रजिस्ट्री, कम से कम उनको तो परमिशन दिलाए ना गवर्नमेंट,
किसी के घर में शादी है, किसी के बेटे को बाहर भेजना है, किसी ने व्यापार करना है, उसने 20% प्रॉपर्टी खरीद ली, वो तो डंप हो गया उसका पैसा, ना वो कहीं जा सकता, ना बेच सकता, ना रह सकता है। किसी बंदे ने शिफ्ट करना है, कोई गोल्ड का एम्प्लाई है, कोई हरियाणा का एम्प्लाई है, उसको अपने ही शहर में हरियाणा वापस जाना है, तो उसका पैसा डंप हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल है ये भी मुद्दा। अल्टीमेटली उन लोगों को जिनकी इन्होंने देखो, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री करी, मैंने अपने घर में रजिस्ट्री नहीं की, सरकार ने रजिस्ट्री करी, जब रजिस्ट्री करनी थी तब ये कानून क्यों नहीं लगा? चलो जिनको कर दी उनके लिए तो छूट मिलनी चाहिए एटलीस्ट। किसानों की आपने बात की या फिर और जो विलेजेस हैं, 13 विलेजेस हैं चंडीगढ़ में, सर 22 टोटल 22 हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? डेवलप हुए पिछले दिनों में या फिर कुछ 10 साल पहले 2009-14 में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण का मामला था या फिरनी का मामला था, उस पर 1% भी काम नहीं हुआ। 22 के 22 गांव बल्कि एमसी के अंदर आकर उसे नुकसान हुआ, जबकि फायदा होना चाहिए। गांव एमसी के अंदर आए उसमें नुकसान हुआ या? सारे एक कैमवाड़ा को छोड़ के लगभग सारे गांव एमसी में आ गए हैं। इसका नुकसान हुआ कैसे? इसका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि ना तो वहां कोई विकास नाम की चीज, वही गलियां वही सिस्टम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। वही आज भी लाल डोरा की बात का प्रश्न वही खड़ा है, वही मैं पहले भूमि अधिग्रहण की मामला कह रहा था। अगर ऐसा दोगलापन क्यों इस शहर के साथ, उन गांव के साथ दोगलापन क्यों? 10 साल के दौरान हमारे यहाँ एक पिंडू संघर्ष समिति है जो पूरे गांव के लोगों की, वो पीएन से लेकर गवर्नर तक प्रधानमंत्री तक 100 बार मिल चुकी है। किरण खेर मैडम ने तो यहाँ तक कह दिया था हमारे सांसद, मुझे गांव वालों की जरूरत नहीं है। गोद भी लिया था कोई गांव? गोद लिया, गोद लेने का फायदा तो नहीं आया। मैडम जी एक बार भी तो गोद लेके आई नहीं, सिर्फ अखबार में फोटो खींचा, उसके बाद तो मैडम जी दिखाई नहीं दी। हमें की बार ठीक है, कम से कम दोनों प्रत्याशी दोनों पार्टियों के लोकल है, और ये किरण खेर का होना हमारे शहर के लिए 10 साल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। जो 10 साल किरण मैडम रही, अगर उसकी जगह हमारा साहित्य संजय जी होते, चाहे मनीष जी होते, शायद हमारे काम हो जाते। तो बिल्कुल कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सर कोई कुछ कहेगा, कोई है किसी मुद्दा? सर जैसे सर ने बताया विलेजेस की बात की, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि पिछले दिनों में लाल डोरे की इशू अभी तक है, हालांकि लाल डोरे को लेकर जो भी कैंडिडेट हैं वो भी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट की, वेंडर्स की बात हुई, एजुकेशन, हेल्थ आपने कहा कि बहुत अच्छा, बेसिक कम्युनिटीज लोगों को दी है, इसके अलावा कुछ और? देखिए मेन मुद्दे तो हमारे यही है, मैं फिर आपसे क्षमा मांगूंगा, मुद्दे में जो आप बता रहे हैं मैं 2 मुद्दे पे आपसे फिर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो ये प्रॉपर्टी वाला है कि चंडीगढ़ की जो जनता है नियर अबाउट 8 या 9 लाख की जो हमारी वोटिंग है, कई बंदों के प्रॉपर्टी यहाँ पे फंसे। मैं आपके माध्यम से जो भी हमारा सदन चुना चाहता है, चाहे संजय टंडन जी हैं, चाहे मनीष तिवारी जी हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, कोई और बनता है, तो मेरी आपके आपके द्वारा की ये रिक्वेस्ट है कि ये एक जो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया कि आप इसको खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, एक पार्लियामेंट में इसको लेके जाके इसका एक लॉ बना के और ताकि इसको लोगों को राहत दी जा सके। ये बहुत बड़ा इशू है जैसे सर ने बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों में लगातार इस पर भी चर्चा की गई और आपस में इसमें बहसबाजी भी हुई है अलग अलग प्रत्याशी, और जैसे चंडीगढ़ के लोगों ने बताया कि कई इश्यूज हैं, गांव का इश्यू की अगर हम बात करें या फिर जो नीड बेसिस चेंजेस की अगर हम बात करें, फ्लोर वाइज की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि कई जगह अभी जो डंपिंग ग्राउंड का भी मुद्दा, साफ सफाई का मुद्दा भी जो है उठा, कई इस तरह के इश्यू चंडीगढ़ में हैं जो कि आने वाले समय में होने वाले हैं। हालांकि वायदे किए जा रहे हैं, पूरा मैनिफेस्टो में भी दिया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन अब इसमें इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो भी आता है चुनकर लोगों का, जो प्रतिनिधि जो भी लोगों का चुनकर आता है, वो किस तरह के काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।